स्टूडेंट वेलकम टू ऑल आज हम करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 3.7 का सेवंथ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट ठीक है कुछ नया करेंगे आज हम इसके अंदर चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं द फर्स्ट वन इज 152x फिफ्टी टू एक्स माइनस थ्री सेवेंटी एट वाई इक्वल टू माइनस सेवनटी फोर दैट इज मैं नेम ले लेती हूँ इसे इक्वेशन नंबर वन एंड द सेकेंड इज माइनस थ्री सेवनटी एट एक्स प्लस वन फिफ्टी टू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस सिक्स जीरो फोर दैट इज सेकेंड इक्वेशन ओके अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए हम क्या करते आ रहे हैं हमारे पास जब इक्वेशन आती हैं हम उनके अंदर मैथड लगाते हैं एलिमिनेशन सब्सिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू नो वेरी वेल कि मैं हमेशा उसके अंदर क्या लगाती हूँ एलिमिनेशन मैथड है ना तो अब मैं यहाँ अभी भी एलिमिनेशन ही लगाने वाली हूँ बट यहाँ जो मेरे पास एक्स और वाई के कोफिशेंट्स हैं वो हंड्रेड्स हंड्रेस uh, के अकॉर्डिंग दे रखे हैं मतलब हंड्रेड मिनस जैसे वन फिफ्टी टू दे दिया थ्री सेवेंटी एट दे दिया यानी काफ़ी बड़ा नंबर दे दिया मुझे है ना अगर मैं इसके अंदर एलिमिनेशन लगाती हूँ तो मेरी जो मल्टीप्लिकेशन है सपोज़ कि मैं अगर मान लो फर्स्ट इक्वेशन को थ्री सेवेंटी एट से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फिर उसके बाद काफ़ी बड़ी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी है ना तो हम क्या करते हैं इस टाइप का जो सम आएगा स्पेशली इस टाइप का कैसा कि अगर फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफ़िशेंट है एक्स का जो कॉफिशियंट है वही कॉफिशियंट सेकेंड इक्वेशन में y का हो और y का जो कॉफिशियंट है इक्वेशन नंबर वन में और वही कॉफिशियंट आपका सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशेंट हो ठीक है रेसिप्रोकल कॉफिशियंट हो वहाँ आप एक स्पेशल रूल लगा सकते हैं ताकि आप क्या करो इन बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को शोट कर सको कैसे करोगे वो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे बेटा साइन चेंज नहीं होंगे तो आप सिंपलीफाई कर दो इनको प्लस करोगे आपके पास बनेगा माइनस सिक्स सेवन एट माइनस थ्री सेवेंटी एट है आपका वन फिफ्टी टू है सोल्व करोगे आपके पास ये बनेगा सिक्स टू टू माइनस टू ट्वेंटी सिक्स वाई ऐसे जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये भी आपका बन रहा है माइनस टू ट्वेंटी सिक्स एक्स बन रहा है, है ना अब आप क्या करो यहाँ से माइनस टू ट्वेंटी सिक्स को कॉमन ले लो कॉमन लोगे हैं एक्स आ जाएगा बाहर आपने माइनस लिया तो ये प्लस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्स सेवन एट माइनस टू ट्वेंटी सिक्स को नीचे लेके आएंगे ये आपके पास बनेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स सेवन एट डिवाइड बाय माइनस टू टू सिक्स माइनस से माइनस कट हो गया ये आपका पूरा पूरा थ्री पे कट हो रहा है तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री मैं लेट कर लेती हूँ हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी थर्ड होगी मीन्स मैंने इन दोनों इक्वेशन को यूज करके एक और इक्वेशन बनाई बिल्कुल शॉर्ट यानी x प्लस वाई इक्वल टू थ्री बना दिया मैंने अब एक इक्वेशन से तो काम चलेगा नहीं एलिमिनेशन तो हमें दो इक्वेशन में लगाना पड़ेगा ना अब हम क्या करेंगे वापस इन्हीं दोनों इक्वेशन को फिर से लेंगे 152 x माइनस थ्री सेवनटी एट वाई दैट इज इक्वल टू माइनस सेवनटी फोर इक्वेशन नंबर मैं ले रही हूँ यहाँ पर फोर और सेकेंड है मेरे पास माइनस थ्री सेवनटी एट एक्स प्लस वन फिफ्टी टू वाई दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्स जीरो फोर इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी मेरी फाइव अब मैं क्या करूँगी इन दोनों इक्वेशन इस फिफ्थ इक्वेशन को सब्टेक्ट करूँगी फोर्थ में से ठीक है तो सब करेंगे ये आपका माइनस है प्लस हो जाएगा ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा चलिए सोल्व करते हैं प्लस का सिक्स जीरो फोर में से माइनस सेवेंटी फोर हमें माइनस करना है तो ये आपके पास आएगा जीरो टेन में से सेवन माइनस करोगे थ्री प्लस का फाइव थर्टी आ जाएगा ऐसे तो ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये बनेगा जीरो थ्री फाइव माइनस का फाइव थर्टी आ जाएगा ऐसे जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपका प्लस का फाइव थर्टी एक्स आ जाएगा अब आप क्या करो इन दोनों में से फाइव थर्टी को कॉमन ले लो फाइव थर्टी को मैंने कॉमन लिया मेरे पास आ गया एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू ये भी आपके पास क्या पर है फाइव थर्टी फाइव थर्टी को आप नीचे लेके जाएंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव थर्टी बाय फाइव थर्टी कट हो जाएगा आपका वन आ जाएगा यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका वन ये मेरी सेकेंड इक्वेशन जिसे मैं नेम देने जा रही हूँ इक्वेशन नंबर सिक्स ओके अब मेरे पास जो दो इक्वेशन आई जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास इक्वेशन आई एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री ओके जब मैंने दूसरी मेरे पास क्या आई एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन अब मैं इसके अंदर एलिमिनेशन लगाऊंगी फिलहाल जो मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रही थी एक बार मैंने प्लस किया दूसरी बार मैंने माइनस किया और ये काम आप तभी करोगे जब आपके पास इस टाइप की सिचुएशन आएगी ठीक है कि x का जो कोफिशियंट है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो है सेकेंड में वो y के साथ हो और y का जो कोफिशियंट है जो कि इक्वेशन नंबर वन में है वो सेकेंड में किसके साथ हो x के साथ हो तभी लगाना है अदरवाइज आपको ये रूल कहीं नहीं लगाना ठीक है चलिए अब इक्वेशन नंबर थर्ड को हम यहां ले आते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री इक्वेशन नंबर थर्ड है आपकी चलिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है ही नहीं तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे ऐड करोगे वाई से वाई आपका कैंसिल 2x एक्स हो जाएगा ये क्या बनेगा आपका 4 देन एक्स इक्वल टू फोर बाय टू कट करेंगे आपके पास 2 आ जाएगा नाउ पुट कीजिए पुट एक्स इक्वल टू टू इन इक्वेशन लीजिए नाउ एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे टू माइनस वाई इक्वल टू वन देन माइनस वाई इज इक्वल टू टू आपका इधर आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन वन से वन आप सॉरी oh, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास वन आ जाएगी ठीक है तो एक्स की वैल्यू क्या हुई हमारे पास टू हो जाएगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वन हो जाएगी है ना बेटा ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन तो आपने ध्यान रखना है कि ये अप्लाई आपने कब करना है ठीक है सिर्फ हम ये अप्लाई क्यों करते हैं हम अपने इक्वेशंस को जो है उनकी जो फॉर्म है उनको शॉर्ट बनाते हैं छोटा बनाने के लिए ताकि हम उसे इजीली सॉल्व कर सकें ठीक है बेटा अब हमारा ये सेवन जो क्वेश्चन है जिसके फाइव पार्ट्स हैं ये पूरे हो चुके हैं एक इकलौता एक सम पड़ा है हमारे पास एट्थ उसे भी हम जल्दी कर लेंगे ठीक है ताकि हमारे ये थर्ड चैप्टर जो है हो जाएगा का, काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे थैंक यू